हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या हमें अपने टास्क कवर करना है। और आप लोगों की डिमांड पर ही हमने यहाँ पर एक टास्क और यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि सर मेंस के क्वेश्चन भी कुछ लिखने के लिए दिया करिए, तो यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन है वो भी अब आपको आज से कुछ दिए जाएंगे। उनकी फॉर्मेटिंग भी लास्ट में बताएंगे किस तरह से लिखना है, तो थोड़ा सा हिंट दे देंगे आप लोगों के लिए कि किस किस टॉपिक पर कितने कितने शब्द आप लोग के लिए लिखने हैं। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो लोग न्यू मेंबर है उन लोगों के लिए बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मिल जाता है, और अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। तो देखिए, आज आपको यहाँ पर डे 23 देखने को मिलेगा और 30 जुलाई आज है। तो आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी, इसकी इमेज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लेसन नंबर 5 और 6, दो लेसन ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं और नोट्स भी बनाने, क्योंकि एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों लेसन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क और फिर आपको क्वेश्चन भी देते हैं। तो देखिए, आपको यूरोप की कुछ फिजिकल लोकेशन है आपको देखने को मिल जाएगी फिजिकल मैप पर। तो पॉलिटिकल मैप पर खोजेंगे तो समस्या आ जाएगी, तो फिजिकल मैप पर आप लोग खोजिएगा यूरोप की। तो देखिए, इस तरह से आपको यूरोप देखने को मिलेगा। इसमें पहली लोकेशन है वो आपको स्कैंडिनेवियन, आपको पेनिनसुलर देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर क्या होता है? प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, मतलब प्रायद्वीप क्या होता है जिसके, जैसे कि आपने भारत भी सुना होगा, भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है, तो भारत को ही बना देते हैं। तो देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? प्रायद्वीप है, मतलब इसके क्या होता है, तीन ओर ये जल से घिरा होता है और एक भाग क्या होता है, इसका स्थल से जुड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं पेनिनसुलर बोलते हैं, या फिर हम इसको हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो देखिए, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, लेकिन एक पार्ट इसके किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप बोल देते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको ये देखने को मिलेगा स्कैंडिनेवियन, आपको पेनिनसुलर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो देखिए, यहाँ पर माउंटेन के बारे में भी पढ़ाए थे ना, तो वही आपको देखने को मिल जाएगा फिजिकल मैप पर। देखिए, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन आप लोग अपने एटलस में देखेंगे तो आराम से मिल जाएगा। फिर देखिए, आपको गैलीवेर लेक आपको देखने को मिलेगी। देखिए, गैलीवेर लेक है कहाँ पर है, आपको इसी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, हो सकता है आपके एटलस में ना हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि ये लेक हर एटलस में नहीं दिया रखा है, अगर आपके में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप लोग लोकेट कर लीजिएगा। फिर देखिए, आपको नॉर्थ यूरोपियन प्लेन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, वैसे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इतनी जगह पर ही दिया रखा है, लेकिन जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है ना, वो इस तरह से बहुत जगह में इस तरह से फैला हुआ है। देखिए, इस तरह से फैला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कम दिया रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको नॉर्थ यूरोपियन प्लेन आपको पूरा देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए, प्रीपेड मास आपको देखने को मिलेगा। आखिर ये क्या होता है, ये दलदल भूमि आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आपको डेनी पर जो आपको पढ़ाए थे, और यूक्रेन जहां पर देखने को मिलेगा, अभी रशिया यूक्रेन वॉर भी आपको चल रहा है, तो आपको वहां पर ही देखिए, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, दलदल भूमि है। तो डॉन रिवर के बाद में आप लोग डेनी पर आप लोग देखे थे ना, तो वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगी ये दलदल भूमि वाला क्षेत्र, जिसको प्रीपेड मास के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आपको जूटलैंड देखने को मिलेगा। आखिर ये जूटलैंड कहाँ पर है, तो देखिए, जूटलैंड आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। ओके, और देखिए, जूटलैंड से आप लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो डोगर बैंक आपको देखने को मिलेगा। डोगर बैंक आपके एटलस में नहीं दिया रखा होगा, 99% चांसेस है कि आपके एटलस में नहीं होगा वो, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग इस तरह से लोकेट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपको डोगर बैंक, डोगर बैंक क्या है, ये लोलैंड कंट्री है ना, लोलैंड कंट्री का जो जलमग्न भाग रहता है, मतलब जल जल इसमें जल आता रहता है, जलमग्न भाग उसको बोलते हैं, जो जल से ढका रहता है। ओके, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डोगर बैंक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो डोगर बैंक है, इसी में राइन रिवर जो आपको देखने को मिलेगी, वो जाकर के इसी में जाकर के गिरती है, डोगर बैंक में ही जाकर के गिरती है। फिर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर आपको एक आगे देखिए, दिखाते हैं यहाँ पर देखिए, फिर आपको स्ट्रेट ऑफ डोगर देखने को मिले, तो ये क्या है, ये डोगर बैंक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही क्या है, आपको स्ट्रेट ऑफ डोगर भी देखने को मिलेगी, डोगर जलसंधि आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। फिर आप अब इनको देखना है कि जैसे डोगर जलसंधि है, इंग्लिश जलसंधि है, कि किस किस को अलग करती है और किन किन जलसंधियों को आपस में जोड़ती है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज अपने आप करते चलिएगा, जैसा कि आप लोगों को हर बार हर चीज नहीं बताई जाती है।
तो इसके अलावा देखिए इंग्लिश चैनल के बाद में बे ऑफ बिस्की, ये तो हम पहले भी देख चुके थे बे ऑफ बिस्की, और फिर आपको इधर देखने को मिलेगा इबेरियन पेनिनसुलर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आपको इबेरियन पेनिनसुलर देखने को मिलेगा, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद आपको बालकन पेनिनसुलर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आपको एजियन सी जो आपको पढ़ाए थे, आयोनियन सी और एजियन सी आपको पढ़ाए थे ना, तो आपको वहां पर ही बालकन पेनिनसुलर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट तो कल ही आपको पढ़ाए, तो इसकी लोकेशन नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताना है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, उस देश का नाम बताना है। और साथ में आपको तीन चीजें आज कमेंट करके बतानी है जो जो इस वीडियो को देख रहा है, और कल हम पढ़ा चुके थे। एक आपको बताना है कि मिश्रित शंकु का उदाहरण कौन सा पर्वत है जो यूरोप में हम आपको पढ़ाए थे कल, और इसके अलावा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो देखिए फिर से सुन लीजिए, एक जो ब्लैक फॉरेस्ट है किस देश में है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसका नाम हम आपको बताए थे, और वो किस रेंज में पड़ती है, अगर वो बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। और इसके अलावा हम आपको एक एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत पढ़ाए थे, उसका नाम काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, वो उसका नाम बताना है जो मिश्रित शंकु का आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। ओके, तो कल आपको बहुत बार बार रिपीट करके बताए थे, तो इसलिए आपसे पूछा है, बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था, आईएएस के मेंस में 2015 में जीएस थर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। ये देखिए हम आपको ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, आपको आज एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम आपको करा देंगे, लेकिन फिर बाद में आपके लिए 2 क्वेश्चन, फिर हल्के हल्के 3 क्वेश्चन, फिर हल्के हल्के 4 क्वेश्चन आपको देंगे। अभी कुछ दिनों तक डेली एक ही क्वेश्चन दिया करेंगे, ज्यादा बर्डन ना हो। तो पहले लिखना सीखिए, फिर हल्के हल्के स्पीड में भी आ जाएंगे आप लोग। तो देखिए सोने के लिए भारतीयों के उन्माद ने हाल ही के वर्षों में सोने के आयात में उछाल उत्पन्न कर दिया है, और भुगतान संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिए। यानी कि इसमें बोलना है कि जो हम लोग सोना है, अब हमारे यहाँ तो खनन होता नहीं है सोने का ना, तो हम क्या करते हैं, सोने का आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा भुगतान संतुलन है वो भारत के परिपेक्ष में नहीं रहता, भारत के पक्ष में नहीं रहता है। ओके, तो ये इस कारण क्या हुआ, रुपए के बाह्य मूल्य पर क्या हुआ, दबाव पड़ने लगा है। इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के द्वारा। आप परीक्षण करके बताइए कि इसकी समस्या का ये कैसे समाधान कर सकता है। और जब परीक्षण करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, केवल तारीफ तारीफ नहीं करना है, यानी कि जो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना है, जो आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, तो उसके सकारात्मक पक्ष आपको बताने और साथ में बताने की समस्याएं क्या है, तभी तो आप परीक्षण करेंगे, वरना आपसे बोलो कि अच्छा ये बताइए स्पेन का परीक्षण करके बताइए। ओके, अब आप इसकी हमेशा केवल अच्छाई बताए जा रहे हैं, तो केवल परीक्षण थोड़ी ना हुआ, यानी कि इसकी अच्छी चीजें भी और थोड़ी सी इसमें कमियां क्या है वो भी तो आपको देखने को मिलेंगी ना, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो चलिए इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लीजिए, तो इस पर तो हम लिख नहीं सकते, तो अपने बोर्ड पर आ जाते हैं, इस पर आपको लिख करके बता देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, तो ये आपको कितने शब्दों में लिखना है, 150 से 200 शब्दों में, 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, मतलब उत्तर लिखना है। लेकिन इस उत्तर को किस तरह से आप बांट सकते हैं, इसको आप लोग 4 भागों में समानता बांट करके लिख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी बांट सकते हैं। तो 4 भागों में कैसे बांट सकते हैं, पहला आपको की पॉइंट देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको की पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें पहला आपको बताना पड़ेगा कि जो हम क्या करते हैं, सोने का आयात करते हैं, अरे देखिए भाग्य इधर, ये देखिए सोने का जो हम आयात करते हैं और भुगतान संतुलन, ये एक दूसरे से आखिर संबंधित कैसे हैं, कैसे सोने का क्यों इतना ज्यादा आयात होता है, क्या ये भुगतान संतुलन आप उसकी समस्या उत्पन्न कर देता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि सोने के आयात एवं भुगतान संतुलन में संबंध। देखिए जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए बता देते हैं, आपको देखने को मिलेगा अगर इंडिया है वो गोल्ड का जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया है उसके अंदर 800 से लेकर के 1000 टन तक, कितना
1000, हम टन की बात कर रहे हैं, किलो की बात नहीं कर रहे हैं, इतने सोने का आयात किया जाता है, आयात किया जाता है मतलब इतना सोना है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, और सिर्फ एक तोले सोने की कीमत है वो अभी लगभग 47,000-48,000 के करीब में चल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम इसको 40,000 भी रखें तो आप लोग देख सकते हैं कि एक किलो सोना है वो लगभग में 40 लाख का होता है। और ये तो टनों की हम बात कर रहे हैं कि हम इतना सोना प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर हम लोग आयात करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 सालों में, एक साल के अंदर कम से कम आपको देखने को मिलेगा कि 800 से लेकर के 1000 टन तक हम आयात कर देते हैं। तो एक जो पैसा होगा एक कई लाख करोड़ में बनता है जा करके। तो एक इससे क्या होता है, अब देखिए हम सोना मंगाएंगे तो पैसा देंगे, अब पैसा हम देंगे तो अपने देश से पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, यानी कि हम अपने देश की जो चीजें हैं वो किस में खरीदते हैं, दूसरे देशों से, डॉलर में खरीदते हैं, किसी और चीज में खरीदते हैं, तो हमारा डॉलर है वो कहाँ चल रहा है, देश से बाहर चला जा रहा है, जिस कारण जो पैसा है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है ना। तो अगर हम किसी भी प्रकार से इस आयात को कम कर दें, इस आयात को कम कर दें तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है, देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, तो देखिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं 25 से 30 शब्द आप लोग लिख सकते हैं, इसमें अपने मन से लिख सकते हैं 25 से 30 शब्दों में आप लोग ये बता सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोग सर्च करिए, और आपको पढ़ा भी चुके तो जागर की वो टॉपिक देख लीजिए इकोनॉमिक्स का, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो न्यू मेंबर है वैसे आप लोग अगर जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, अभी इकोनॉमिक्स 3-4 दिन पहले ही पढ़ाए हैं। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसको आपको बताना है, सोने जो सोना है, सोने के आयात, सोने के आयात को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम कैसे किया जा सकता है। ओके, सोने के आयात को कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए आप सोने के आयात को कैसे कम कर सकती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसके बारे में आपको थोड़े से शब्द लिख करके बताने हैं। जैसे कि एक आंकड़े के अनुसार आपको हम पढ़ाए थे कि इंडिया के अंदर मतलब भारत के अंदर आपको अवशेष के रूप में 20,000 टन, कितना 20,000 टन सोना है ये अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे कि मंदिरों में, ट्रस्टों में, घरों के अंदर 20,000 टन सोना है वो सिर्फ और सिर्फ अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। तो सोचो अगर हम 1000 टन का भी अगर हम आयात करते हैं, और सोचिए अगर हम इस जो अवशेष पड़ा हुआ जो सोना है अगर हम इसको अर्थव्यवस्था में ले आते हैं, अगर आधा ही अर्थव्यवस्था में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 टन, यानी कि 10 सालों का सोना हमको आयात ही नहीं करना पड़ेगा, यानी कि 10 सालों के लिए जितना पैसा हमारा बाहर जा रहा था सोने के कारण वो रुक जाएगा। तो भुगतान संतुलन की समस्या को दूर किया जा सकता है ना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसके लाभ, तो इसमें भी आप कितने शब्द लिख सकते हैं, लगभग में आप 30 से 40 शब्द इस पॉइंट पर भी लिख सकते हैं। ओके, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसके लाभ आपको लिखने हैं, पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो जो हमने आपको लाभ बताए थे वो सभी आपको लाभ लिख देने हैं, 5-6 लाभ लिख देने हैं, यानी कि ज्यादा नहीं लिखना है इस पर, 50 शब्दों से 80 शब्दों के बीच में इसको समेट देना है, नहीं ऐसा नहीं कि इसी को लिख दिया 100-150 शब्द, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, 50 शब्द, अगर जैसे 200 शब्दों में लिखना है तो आप 50 से 80 शब्दों के बीच में, 100 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन अगर 150 शब्दों में ही पूछा गया तो आपको बहुत लंबा ही नहीं खींचना है, तो आपको 40 शब्दों तक की सीमित ही करना है इसको। और फिर आपको देखिए जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसकी समस्याएं भी आपको बताना है, क्या बताना है, समस्याएं भी आपको बताना है, तो इन 4 पार्ट में आपको लिखना है समस्याएं क्या है। अब देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर प्रावधान भी बहुत अच्छे किए गए, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, एक तो ये लोकप्रिय नहीं हुई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि इसका इतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, इस वजह से लोकप्रिय नहीं हो सकी, और साथ में सोना है वो हमारी परंपरा और साथ में संस्कृति का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमारे थोड़े से इमोशंस के साथ में जुड़ा रहता है। तो हम देखिए अब हमारी मम्मी जी का सोना रखा हुआ है, भले वो अवशेष के रूप में रखा हुआ, कोई नहीं पहनता, सोने के सिक्के हैं हमारे यहाँ पड़े हुए, लेकिन वो हमारे दादी परदादी के चले आ रहे हैं, हम उनको क्यों भाई पिघलाएंगे, जाकर के बैंक को देंगे, वो पिघला करके उसको बेच देगा, हमारा उसके साथ क्या है इमोशन जुड़ा हुआ है, तो वो देना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा जो ट्रस्ट में पड़ा हुआ है, मंदिरों में जो सोना पड़ा हुआ है, वो एक आस्था का मुद्दा देखने को मिलेगा, क्या है,
वो आस्था से जुड़ा हुआ है, तो आस्था मंदिर से सोचिए, चाहे वो अवशेष के रूप में सोने की कोई मूर्ति पड़ी हुई है या फिर भगवान से रिलेटेड उनके खड़ाऊं पड़े हुए हैं, कुछ भी पड़ा हुआ है सोने का, तो ये सोचिए भगवान की कोई चीज जाकर के बेचेगा। ये आस्था का मुद्दा होने के कारण एक समस्या है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत सोना ही नहीं पहुंचता है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे इस अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, एक डर इसमें ये भी है क्योंकि सोना आप कितना भी ला करके इसमें जमा करा सकते हैं, और सोने के माध्यम से काला धन है वो, हो सकता है काला धन है वो इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में आ जाए, तो अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारी इसके साथ में समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, तो समस्याएं भी आपको बताना है, समस्या के बाद में आपको निष्कर्ष बनाना है और निष्कर्ष अपने आप लोगों के लिए देना है। इस तरह से आप चार पार्ट में इस समस्याओं के साथ में ही नेक्स्ट पैराग्राफ में आप निष्कर्ष भी दे दीजिएगा। तो आपको इस तरह से चार पैराग्राफ में आपको लिखना है, तो इस पर आप लोग 25 से 30 शब्द आप लोग इस पर लिखेंगे और 20 से 30 शब्द आप लोग इस पर लिखेंगे, और फिर इसमें आप लोग 50 से 80 शब्दों तक आप लोग सबमिट करके रख देंगे, और फिर जो शेष है वो आप लोग इसमें खत्म कर देंगे। ओके, तो आप लोगों का हो सकता है 150 शब्दों में, हो सकता है 180 शब्दों में, 190 शब्दों में एक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको 200 शब्दों तक लिमिट दी गई थी और आप सब लिख लेंगे। इसी तरह से डेली आप लोगों के लिए दिया जाएगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बता दी जाएगी, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे आपको थोड़ी चीजें यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी देखिए ज्योग्राफी चल रहा है, इसी तरह से आपको जो अदर सब्जेक्ट है वो आपके वन बाई वन चला करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, फिर आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा। ये सुबह 8 बजे डेली ये टास्क मिल जाता है, आकर के आप लोग देख सकते हो। 3 बैचेस हम लोग हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, आप लोग इनको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रीमियम क्लासेस हैं वो चल रहे हैं, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एक 3 बजे बैच चलता है दोपहर में, और एक शाम को 6 बजे एक बैच चलता है, और आपको एक करंट अफेयर की भी क्लासेस आपको दी जाती है। यहाँ पर आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं, ये देखिए सारी प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से, और यहाँ पर किस सब्जेक्ट पे हम कितनी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। आई कार्ड है वो आप लोग बन गए जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, इसमें अगर आपका नाम स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देख सकते हैं, गर्ल्स के हैं इसमें अगर आपके हैं तो आपका आई कार्ड बन गया। आप व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में, आपका आई कार्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा अगर बन गया। जिन लोगों का अभी तक नहीं बनाया उन्हें एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कहाँ फिल करना है, तो ये वीडियो आपको ये जो थंबनेल दिख रहा है ना, इसी तरह से एक सेम थंबनेल लगा हुआ हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जाकर के देख लिया। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग जाकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, चलिए इस वीडियो के यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह से अपना प्यार दिखाते रहें।